नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल टेलनो में आप सभी को स्वागत है। भारत रहस्यों से भरा हुआ है। कदम कदम पर ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। हिंदुस्तान का इतिहास इसी तरफ की कई जानकारियों अपने दामन में समेटे हुए है। ऐसा ही कुछ रोचक तत्वों को हम आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको एक अनोखा और रहस्यमय कोणार्क मंदिर के बारे में बताने जा रहा है, जहां 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। भारत के इस ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। कहते हैं कि इस मंदिर में 52 टन का विशालकाय चुंबक लगा हुआ था। पौराणिक कथाओं की माना तो यह पत्थर समुद्र से आने वाली विपदाओं को कम करता था। एक समय ऐसा भी था जब मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबकों के साथ मिलकर कुछ इस तरीके से काम करता था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। मंदिर की ये ताकतवर चुंबकीय व्यवस्था आधुनिक काल की शुरुआत में समस्या बनने लगी। ये चुंबकीय शक्ति इतनी तेज थी कि पानी की जहाज मंदिर की तरफ अपने आप खींचे चले आते थे, जिससे अंग्रेजों को बड़े नुकसान होने लगा, जिस कारण अंग्रेज इस पत्थर को अपने साथ निकाल ले गए। पूरे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से मंदिर की कई दीवार और पत्थर गिरने लगे। यह मंदिर भारत के पूर्व राज्य उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है, जिसे हम लोग सूर्य मंदिर भी कहते हैं। अपनी अद्भुत कला के लिए यह मंदिर सारी दुनिया में जाना जाता है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े पहिया लगा हुआ है, जिनकी विशाल रचना आपको रोमांचित कर देंगी। रथ के आगे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींचते हुए नजर आता है। 12 जोड़ी पहिया दिन के 24 घंटों दर्शाता है। वही साल के 12 महीने के सूचक भी माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र कम होते गया और मंदिर भी समुद्र किनारे से थोड़ा दूर हो गया। इस मंदिर के गहरे रंग के कारण इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। इस मंदिर में चुंबक को इस तरफ से स्थापित किया गया कि जैसे ही सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर प्रवेश करती थी, मंदिर के अंदर स्थापित प्रतिमा वाली जगह हीरे की तरह चमक उठती थी। पर औपनिवेशिक समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा चुंबकीय पत्थर को पाने के लिए इन चुंबकों को यहाँ से हटा दिया गया। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आज के समय इसका कई भाग ध्वस्त हो चुका है, जिनका मुख्य कारण मुगल शासकों को द्वारा किया गया आक्रमण थे। गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 1200 कलाकारों की मदद से बनवाया गया वास्तुकला की इस भव्यता को बनाने में लगभग 12 साल लगा। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार में 2 शेर बना हुआ है, जो 2 हाथियों के अपने नीचे दबाया हुआ है और उन हाथियों के नीचे मनुष्य की प्रतिमा दबी हुई है। यह शेर को अहम के रूप में और हाथी को पैसा के रूप में दर्शाया गया है। इससे साफ निर्देशित होता है कि मनुष्य के लिए पैसा की लालच और अहम नाश का कारण बनती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कृपया लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैं शारी प्रदीप, जय हिंद।